पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप कौन हैं जी? जी मेरा नाम माया है। माया, माया जी, आप मेरा ख्याल है आप इधर बैठिए। थैंक यू वेरी मच। ये दास्तां है एक ऐसी अभिनेत्री की, फिल्म इंडस्ट्री की होते हुए भी जिन्हें हीरोइन का किरदार निभाने का मौका कम मिला, पर बतौर वैम्प ये नजर आई वो भी जब इनका विवाह हो चुका था। नाम है इनका बिंदु नानुभाई देसाई। रणबीर, मेरा नाम भी माया है, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। इनके पिताजी फिल्म प्रोड्यूसर थे और इनकी माँ ज्योत्सना रंगमंच पे काम किया करती थी। इनका जन्म गुजरात के वलसाड़ जिले में हुआ था और अजब त्रासदी घटी इनके बचपन में ही। जब ये मात्र 13-14 साल की थी तब इनके पिताजी का इंतकाल हो गया। परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर आई और इन्होंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स में काम करना शुरू किया। अब आप खुद ही सोचिए, ऐसी हालत में हम लोग यहाँ चैन से कैसे रह सकते हैं। आफा करके एक फिल्म कंपनी थी जो अक्सर भारत पे आधारित फिल्में बनाया करती थी, जिन फिल्मों का हिस्सा बिंदु जी रही। करोड़पति, मुझे करना क्या होगा? लेकिन अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड्स में इनका नाम शुमार होगा। इससे पहले ये फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ती, इनका विवाह हो गया चंपक जावेरी से। शादी के बाद फिल्मों से दूर रहने का फैसला ये कर चुकी थीं। इनके पति अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे। Oh, darling, you're great. इसी बीच इनकी बहन जया का विवाह हुआ महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत साहब के साथ। इत्तेफाकन लक्ष्मीकांत साहब एक म्यूजिक सेटिंग में थे जहाँ पर जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर राज खोसला भी मौजूद थे। बिंदु जी भी वहाँ पर पहुंची और राज खोसला साहब ने इन्हें देखा और कहा कि क्यों नहीं आप हमारी फिल्म में एक किरदार निभाती। इनके पति ने कहा भी कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, क्या जरूरत है फिल्मों में काम करने की, लेकिन बिंदु जी ने कहा कोशिश करके देखते हैं। मैं इसे हासिल करके ही रहूंगी चाहे कुछ भी करना पड़े। फिल्म रही दो रास्ते, इसके बाद तो कभी भी इन्होंने पलट के नहीं देखा। फिल्म कटी पतंग में ये बतौर कैबरे डांसर भी नजर आई। इन्होंने मोना डार्लिंग का किरदार निभाया था फिल्म जंजीर में। हालांकि फिल्म अभिमान में इन्होंने एक बहुत ही सकारात्मक किरदार निभाया। सभी लोग हैरान थे कि कैसे ऋषिकेश मुखर्जी एक ऐसी अभिनेत्री को अपनी फिल्म का हिस्सा बना रहे हैं जो बतौर वैम्प मकबूलियत हासिल कर चुकी है। माया से पूछ तो सही कि वो तेरी कितनी आशिक है। बहुत सारी फिल्मों में ये बतौर वैम्प नजर आई और उसके बाद इन्होंने फिल्मों से जरा दूरी बना ली। दरअसल ये अपना परिवार बसाना चाहती थी लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और मंजूर था, इनका और इनके पति का कोई बच्चा ना हुआ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। बिंदु जी चूंकि कद में काफी लंबी रहीं, इस वजह से भी इनके सामने हीरोइन के किरदार जरा कम आए। उस जमाने में इतनी लंबी लड़कियां बतौर हीरोइन कम ही नजर आती थीं। ये बोतल कहाँ ले जाती है? दुल्हे को बोतल में उतारने के लिए, उसके सुहागराज जरा रंगीन हो जाए और मेरे बदले की आग जरा ठंडी। 1974 की फिल्म इम्तिहान को कौन भूल सकता है। इन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ भी काम किया, प्रेम चोपड़ा साहब के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी, पर जब ये कुछ वक्त के लिए फिल्मों से दूर हुई तो सभी को लगा कि बिंदु जी तो अब इंडस्ट्री में वापस लौट कर नहीं आएंगी। लेकिन फिल्म हीरो के साथ इन्होंने फिर शुरुआत की। प्रिया दी, मैं आपको अच्छी लगती हूँ। बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच। चलिए बार में चलते हैं, एक एक ड्रिंक हो जाए। बार की क्या जरूरत है, मैंने यहाँ एक कमरा बुक किया है, चलिए वहाँ चलते हैं। और अपनी दूसरी पारी में भी इन्होंने बता दिया कि ये कितनी जबरदस्त अभिनेत्री हैं। फिर तो शोला और शबनम, हम आपके हैं कौन, मैं हूं ना, ओम शांति ओम, हर बड़े स्टार हर बड़े बैनर के साथ इन्होंने फिर से काम किया। तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं तो? अगर बाबा ऐसा करते तो मुझे इस दुनिया से और लेना ही क्या है। इस धर्मेश कठोर ने तो मेरी नींद हराम करके रख दी है, अगर ये मिल जाए तो मुझे और चाहिए ही क्या। इन्हें कई मर्तबा फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, चाहे वो फिल्म इत्तेफाक रही कि दो रास्ते, दास्तां या फिर अभिमान। जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में बिंदु जी का नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा। वेल डन। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।